कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला है। अपनी किताब की लॉन्चिंग के मौके पर सैफुद्दीन सोज ने कहा कि सरदार पटेल कश्मीर को पाकिस्तान को देने के पक्ष में थे। नेहरू एंड सरदार पटेल बिल्ड दिस कंट्री, ट्राई टू बिल्ड दिस कंट्री अकॉर्डिंग टू देयर ओन पर्सेप्शन, बट सरदार पटेल वॉज ए प्रैग्मेटिस्ट, मे बी हिज कंपल्सन ऑफ द हिस्ट्री एंड द पार्टनरशिप, यू सी काउंसिल वॉज हियर एंड देयर वर लॉर्ड माउंटबेटन इन द चेयर, सरदार पटेल इन गुड फेथ ही ऑफर्ड कश्मीर to Liaquat Ali Khan and books are written and I am the researcher for that, I will tell you. He told in the Partition Council, Lord Batten in the chair, Nehru present and two civil servants, Chaudhary Muhammad Ali and the Reddy from India, they were members. He said, don't talk of Hyderabad Dakkan, talk of Kashmir. Take Kashmir, don't talk of Hyderabad Dakkan, only because he thought Liaquat Ali Khan is preparing for war. He was not prepared for war. इससे पहले 22 जून को सैफुद्दीन ने कश्मीर पर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के आजादी वाले विचार का समर्थन भी किया था, जिस पर खूब हंगामा हुआ। सुनिए जी, मैं कहता हूँ, मुशर्रफ ने कहा कि आजादी कश्मीरियों का पहला ऑप्शन है। मैं भी कहता हूँ, मैंने किताब में लिखा, तब भी सही था, अब भी सही है, लेकिन मुमकिन नहीं है। और आज़ादी दूसरी तरीके से मिल सकती है, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्रियाँ न बदलें और जम्मू कश्मीर के पहले 5 खत्े और अब हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम 3 खत्े हैं, ये आराम की नींद सोएंगे, डिग्निटी भी होगी, पीस भी होगा और कोई उनकी इज्जत का कोई सौदा गलत नहीं होगा। They will not have compromised the principle of politics. तो yes. साहब, जो आज गवर्नर रूल लगा जेएंडके में, तो क्या लगता है आपको इस सिचुएशन के बारे में? वो वोरा जी बड़े अच्छे आदमी हैं, वो गलत नहीं करने वाले, बुनियादी तौर पर वो सेक्युलर आदमी हैं और सब लोगों को राहत दे सकते हैं वो, लेकिन मैं गवर्नर रूल को पसंद नहीं करता है, ये अवामी रूल नहीं है, इसलिए मुझे अंदर तकलीफ पहुँचती है, फिर सोचता हूँ इसके बगैर चारा नहीं था तो वोरा गनीमत है। हालांकि सोज ने बयान पर विवाद बढ़ने के बाद यू टर्न लेते हुए कहा था कि बल प्रयोग से कश्मीर मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि बातचीत से ही कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन इनका सरदार पटेल पर अब फिर से आया विवादित बयान बता रहा है कि पिछले बयान पर यू टर्न मौके की नजाकत को देख कर लिया गया था, लेकिन सोच वही रही, जिस पर फिर से हंगामा होने के आसार पूरे हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।